हम लोग श्रीराम वाले पार्टी नहीं है। हम लोग श्रीराम वाले पार्टी नहीं है, क्योंकि बिना सिया के राम का अस्तित्व नहीं है। हम लोग श्रीराम वाले पार्टी नहीं है, हम लोग जाए सियाराम वाले पार्टी। कि अगर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है तो हम बिहार वासियों को अपेक्षा है कि पुनौरा जो सीता जी का प्राकट्य धाम है वहाँ भी एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, और इस बात को हम लोग इसके लिए लड़ेंगे। आनंद मोहन ने क्यों कहा कि वे श्री राम वाले पार्टी के नहीं सिया राम वाले पार्टी के हैं, देखिए और आप भी सुनिए कि आनंद मोहन ने क्या कहा। आनंद मोहन ने कहा कि अयोध्या में जब श्री राम मंदिर बन सकता है तो पुनौरा में जहां माता सीता का प्राकट्य स्थल माना जाता है वहां माता सीता का मंदिर क्यों नहीं बन सकता। हम चाहते हैं कि पुनौरा में भी माता सीता का मंदिर बने, इसके लिए अगर हमें लड़ाई भी लड़नी पड़े तो हम तैयार हैं। तो आइए सुनते हैं आनंद मोहन ने क्या कुछ कहा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। प्यार, और ये तो वो धरती है जहां पहली बार वर्ष 94 में ना 93 में 94 कन्फ्यूज कर 94 में लवली आनंद जी यहाँ से उपचुनाव में वैशाली से सांसद बनी थी। ये तो हम लोग की कर्म भूमि रही है। काफी लोग आपको क्या करते हैं, लगातार जन समर्थन दिख रहा है। हम सबों को कहने आए हैं कि 23 नवंबर को पटना में गांधी मैदान में एक विराट रैली होगी, उसका आमंत्रण देने आए हैं। और आप लोगों के माध्यम से अभी हम गए थे पचभीरवा, यहाँ जहाँ एक यज्ञ का कार्यक्रम था और वहाँ देवादिदेव महादेव और हनुमान जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा थी। तो उसमें हम लोग गए थे शामिल होने, और काफ़ी विलम्ब से पहुँचे लेकिन काफ़ी लोग मौजूद थे। हमने मन से कहा कि अगर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है तो हम बिहार वासियों को अपेक्षा है कि पुनौरा जो सीता जी का प्राकट्य धाम है वहाँ भी एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, और इस बात को हम लोग इसके लिए लड़ेंगे, क्योंकि बिना सिया के राम का अस्तित्व नहीं है। हम लोग श्रीराम वाले पार्टी नहीं है, हम लोग जाए सियाराम वाले पार्टी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।